हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिनेमा दीवाने के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि साउथ इंडस्ट्री की मच अवेटेड मूवी यानी कि 2023 की एक मच अवेटेड मूवी जिसे कहते थे नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया यानी कि कब्जा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इसका टोटल बजट था 120 करोड़ रुपया। इतना भारी भरकम बजट होने के बावजूद, इतनी भारी भरकम स्टार होने के बावजूद, इतनी खतरनाक स्टोरी लाइन और बेहतरीन एक्शन सीन होने के बावजूद इसने फर्स्ट डे पे कलेक्शन किया था 10 करोड़ के अराउंड और दूसरे दिन उससे कम यानी कि सैटरडे यानी कि वीकेंड जिस दिन ज्यादातर लोगों को छुट्टी होती है मगर कोई देखने भी नहीं गया और इसका कलेक्शन हुआ 8 करोड़ के आसपास यानी कि फ्राइडे से भी कम। जिस तरह से लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू कर दी कि ये तो KGF की सस्ती वाली कॉपी है, किसी ने कहा ये तो हुबहू KGF जैसी है, किसी ने ये तक कह दिया कि इसके अंदर बहुत सारे एक्शन सीन और बहुत ज्यादा खून खराबा है और स्टोरी तो इसकी बहुत बेकार है और ये भी कहा कि इसके VFX बहुत ही वीक है। मगर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मेहनत करके ये मूवी बनाई है और इसका कलेक्शन इतना कम, ये बहुत ही वार्निंग साइन है सभी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो साउथ की हो या नॉर्थ की हो, बॉलीवुड हो या कोई भी हो। अगर आपकी मूवी में कंटेंट अच्छा नहीं है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, अगर एक्टिंग अच्छी नहीं है, अगर एक से ज्यादा चीज अच्छी नहीं है ना, तो दोस्तों आपकी मूवी डिजास्टर हो सकती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। अभी पठान के बाद जिस तरह तू झूठी और मैं मक्कार ने कलेक्शन अच्छा किया, उसके बाद मुझे एक उम्मीद थी कि कब्जा मूवी अच्छा कलेक्शन कर सकती है, मगर जिस तरह से इसका कलेक्शन डाउन हुआ बहुत ही दुखी बात है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट में बताइए और आपको क्या लगता है कब्जा मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन कर सकती है वो भी कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।